जहां पर वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अयूब कुरैशी लटेरी के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। वहीं विधायक प्रतिनिधि अतु भंडारी ने कहा कि हमें प्रशासन और जिला अध्यक्ष से आदेश मिलेगा जिसे हम सहयोग करेंगे। संपत्ति को सेव कर सकें और उसमें जो भी गलत है उसको सही कर सकें, तो इसलिए अपन सोच रहे हैं यहाँ की भी कमेटी गठित की जाए। लटेरी की सुनने में आया है वक्फ की कई संपत्तियों पर लोगों ने अतिक्रमण भी किया हुआ है, क्या छुड़ाया जाएगा? ये जानकारी मिली है और तो उसकी जांच करवाने के बाद ही पता चलेगा अपन को कि किस जगह पे मतलब कब्जे कर रखे हैं, किस जगह पे दवा रखी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो सबका नाम सबसे विश्वास के साथ काम करने वाली पार्टी, आप भी देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर और हमारे सरोज अटारी के नौजवान विधायक माननीय श्री उमाकांत जी शर्मा के माध्यम से, साथ में हमारे जो जिले के कप्तान हैं डॉक्टर राकेश सिंह जादव जी के माध्यम से और हमारे स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से दिशा निर्देश यहाँ से मिलेंगे हमारे जिले के अध्यक्ष जी से, उसी प्रकार से हम चलेंगे। और अभी तो मेरे ये संज्ञान में मामला आया नहीं है और इस पर जो भी कार्रवाई हो वो आप सब लोगों के समक्ष में रखी जाएगी। भाई साहब, लटेरी के इतिहास में आज तक इतना विकास नहीं हुआ जितना अब हो रहा है, कैसे संभव हुआ? देखिए ये भाजपा की सरकार है,